इस सीन में महारानी का कोई अता पता नहीं है और अचानक पीछे से आके हमला कर देती है। ये तो मेरी भी मां निकली। महारानी जब पहले सिपाही को मारती है तब दूसरे सिपाही के पास काफी टाइम था हमला करने के लिए, लेकिन नहीं, बंदे को तो मरना ही था। इस सीन में पानी बिल्कुल ठीक है और अचानक ही सीन बदलता है, जगह बदलती है और ये लो मतरमा भी फिसल गई। और फिसलती भी ऐसे हैं जैसे कि वाटर पार्क की स्लाइड हो। अभी पानी का बहाव इस डायरेक्शन में है, लेकिन जैसे ही वो लकड़ी पकड़ती है पानी का बहाव रिवर्स हो जाता है। अब समझा, ये कोई लकड़ी नहीं, ये पानी की दिशा बदलने का गियर है। ये महारानी हाथ तो ऐसे उठा रही है जैसे कि सब्जी बेचने आई है। इन लोगों को पानी की इतनी तेज आवाज में भी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। वाह, अगर ये बच्चे को बचा सकता है तो महारानी का हाथ भी पकड़ लेता, वो भी बच जाती। कद्दू कहीं का, ये कद्दू पानी के बाहर आ चुका है, फिर भी ये तीन तरबूज उसे खींच रहे हैं। नो कॉमन सेंस एट ऑल। ये शिवा बिना रनिंग किए यहाँ से जंप लगाता है, फिर भी बहुत दूर तक जाता है। कैसे बेटा, स्कूल में थोड़ी साइंस की पढ़ाई की होती तो ये नौबत नहीं आती। अरे वो 40 गज से कितनी बार गिरा है? हाँ, कम से कम 100 बार। अगर इस बंदे की बात माने तो शिवा यहाँ से करीबन 100 बार गिर चुका है, लेकिन आज तक उसे एक भी खरोच नहीं आई। मैजिक। शिवा का लेफ्ट पैर पानी में गिरता है, लेकिन जब वो पैर उठाता है तो राइट होता है। अगर इस पानी के रिफ्लेक्शन में देखे तो शिवलिंग शिवा के लेफ्ट कंधे पर है, लेकिन अगले सीन में शिवलिंग को राइट कंधे पर दिखाया गया है। तो शिवा ने इतनी जल्दी ये सब कैसे किया? मैं क्यों बताऊं? ये डांस करने की कोई वजह है या फिर आप लोग कैसे भी कहीं भी झूमने लगते हो? शिवा को कैसे पता चला कि ये मास्क लड़की का ही है? लड़के का भी हो सकता था। मन में लट्टू फूटा। अवंतिका सिर्फ अपना पंजा ही पानी में डालती है, लेकिन पानी के अंदर उसका पूरा हाथ दिखाया गया है। ये लो, ये फिर आ गया और आते ही उसने बिना कलर का इस्तेमाल किए ऐसा टैटू बना दिया। और ये मैडम को तब तक उस टैटू का पता नहीं चलता जब तक ये भाई साहब उसे बताते नहीं है। तो ये कैसे हो सकता है कि अवंतिका ने पूरे दिन अपना हाथ ही ना देखा हो? न जाने कितने सालों से लकड़ी इकट्ठा कर रही है, अगर ध्यान से देखे तो यहाँ सिर्फ लकड़ी ही है, एक भी पत्ता नहीं है। तो ये कैसे हो सकता है जहाँ पेड़ हो पर पत्ते ना हो? अवंतिका जब पेड़ पर बैठकर शिवा का इंतजार करती है तो शिवा ऑलरेडी पेड़ पर बैठा हुआ होता है। अगर शिवा ऑलरेडी पेड़ पर बैठा हुआ था तो अवंतिका को दिखना चाहिए। अगर इस सीन में देखे तो शिवा पेड़ पर नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि शिवा पेड़ पर अवंतिका के बाद आया है। अगर ऐसा है तो अवंतिका को शिवा दिखना ही चाहिए। इस सीन में अवंतिका के कपड़े फटे हुए नहीं होते हैं, लेकिन अगले ही सीन में अवंतिका के कपड़े फटे हुए होते हैं ताकि शिवा उसे आसानी से निकाल सके। ये बदतमीजी नहीं है तो और क्या है, ये एक हीरो को शोभा नहीं देता। शिवा आंखों में काजल, होठों पे लाली और कपाल में तिलक, ये सब सारी नेचुरल प्रोडक्ट से करता है। अवंतिका के पीछे कुछ नहीं है, लेकिन अचानक पीछे गांठ आ जाती है ताकि उसे वो खोल सके। ये बंदा अवंतिका के राइट हैंड पर ये चीज बांधता है, लेकिन इस सीन में अवंतिका के लेफ्ट हैंड पर ये चीज बंधी हुई होती है। ये सारी गड़बड़ तूने ही की है ना? रोमांस बहुत हो गया, अब कुछ काम करते हैं। अगर ये लोग इतनी बड़ी प्रतिमा को खींच रहे हैं तो ये रस्सी टाइट होनी चाहिए, लूज नहीं। ये दोनों आधे घंटे से एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं, फिर भी कथप्पा को शिवा का फेस नहीं दिख रहा है, और जब दिखता है तब कथप्पा रोते हुए बैठ जाता है। और ये महारानी ने ये चाकू कहां से निकाल दिया? और ये लो, ये हथियार भी कहां से आ गया? ये मूवी में सब जादूगरी है। ये लड़ाई राजमहल से करीबन 4-5 किलोमीटर दूर हो रही है, फिर भी वहां जो कुछ भी हो रहा है ये इन लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये कैसे हो सकता है? इसीलिए इन दोनों में से किसी एक को चुनना असंभव है। इतनी बड़ी चेन इसके ये छोटे से हैंडल में कैसे समा जाती है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। बाहुबली बॉलीवुड की पहली फिल्म है जिसने होमवर्क दिया है, और होमवर्क ये है कि कथप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा।